टेंशन है ब्रेन जिम, अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल सी सच टाइप ऑफ टॉपिक व्हिच इज आस्क्ड इन स्कॉलरशिप इन स्कूल लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड इन सम अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पर हम टॉपिक देखने वाले हैं क्लब के ऊपर। यू नो दैट सम क्वेश्चंस आर लाइक दैट, हाउ टू फाइंड एंगल्स बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू टेल मी द एंगल फॉर्म एट 12:30 ओ क्लॉक बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, और इसको कैसे फाइंड करना है, इसकी ट्रिक क्या है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसके पहले हम उसके थोड़े बेसिक देख लेते हैं। एज यू सी अ क्लॉक हियर, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक आवर हैंड को निकाला है। वेन ये आवर हैंड जब पूरा वन रोटेशन कंप्लीट कर लेता है तब कंप्लीट 12 आवर्स हो जाते हैं। ओके, तो इन 12 आवर्स में आवर हैंड कितना डिग्री रोटेट होके आ गया। सो दिस इज द सर्कल एंड यू नो मेजर ऑफ होल सर्कल इज वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री। इट मीन्स दैट आवर हैंड टू 360 डिग्री एंगल इन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में 360 डिग्री हो गया। तो 1 आवर में कितना हुआ वो कैलकुलेट करके हम, तो 1 आवर में आवर हैंड 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री रोटेट होता है 1 आवर में। इट मीन्स दैट जब वो यहाँ देखो 12 है, 12 से 1 पे आया मतलब 30 डिग्री रोटेट हो गया, 1 से 2 पे जब आएगा तब 30 डिग्री हो गया। इट मीन्स दैट यहाँ हर जो एडजेसेंट नंबर है उनमें जब भी आवर हैंड रोटेट होता है तो 30 डिग्री का एंगल कवर हो जाता है। ओके, ये तो हो गया आवर हैंड का। दिस इज अबाउट आवर हैंड। नाउ वी विल सी अबाउट मिनट हैंड। अब मिनट हैंड में क्या होता है, जब 1 आवर कंप्लीट होता है तब जाकर मिनट हैंड का 1 रोटेशन कंप्लीट होता है। इट मीन्स दैट इन 60 मिनट मिनट हैंड कंप्लीट 1 रोटेशन मीन्स 360 डिग्री उसका कंप्लीट होता है 1 आवर में। इट मीन्स 60 मिनट में तो 360 डिग्री रोटेशन हो जाता है कंप्लीट। तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितने का एंगल बनाता है, सो वी विल डिवाइड इट बाय 60, सो यू गेट 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट होता है। अब यह हर एडजेसेंट नंबर में 5 मिनट्स होते हैं, तो जब जब वो 1 मिनट आगे आगे बढ़ता है तो 6 डिग्री वो रोटेशन कंप्लीट, मतलब 6 डिग्री का एंगल बनते जाता है। अब ये सब बातों का हमें यहाँ पे यूज होना रहा है। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 12:30 o'clock, 12:30 पे आवर हैंड और मिनट हैंड में कितने का एंगल बनेगा। अब उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक बात को समझते हैं कि वो एंगल फाइंड करना है एक्चुअली किस तरह से फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे एक मैंने क्लॉक निकाली, यहाँ पे मैंने लिख लिया 12, यहाँ हो गया 3, यहाँ 9 और यहाँ पे 6, गॉट इट। अब इस तरह से मैंने क्लॉक निकाली है, यहाँ पे नंबर मैंने शो कर दिए है। समझने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे एक मिनट आवर हैंड निकालेंगे। पहले यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, यहाँ 7, 8, 10 एंड 11, सभी नंबर्स को मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग कर दिया है। अब 12:30 को आवर हैंड कहाँ रहेगा, ऑब्वियसली 12 एंड 1 के बीच में रहेगा। सो हम यहाँ पे आवर हैंड इस तरह से निकालते हैं, आवर हैंड इज शॉर्टर। ओके, तो आवर हैंड 12 और 1 के मिडल में है, और 30 मिनट के मिनट हैंड कहाँ रहता है, वो रहता है 6 पे इस तरह से। अब हमें इस एंगल को फाइंड करना है। ओके, हमें फाइंड करना है इस एंगल को। ये जो एंगल बन गया यहाँ पे, दिस इज द एंगल वी आर टू फाइंड। अब इसे फाइंड करना, वो कैसे फाइंड करना, तो सबसे पहले जो मिनट हैंड था वो 12 पे था, 12 से रोटेट होते हुए वो वहां पे 6 तक पहुंचा। आवर हैंड भी पहले 12 पे था, 12 से रोटेट होके वो थोड़ा 12 और 1 के मिडल में आ गया। तो हमें जब आवर मिनट हैंड यहाँ पे था तो ये पूरा एंगल पहले फाइंड करना है, उसमें से हमें ये जो आवर हैंड का जो टाइम है यहाँ इतना जो एंगल बना है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा एक्चुअली एंगल एट 12
30 बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप आवर्स को देखो, तो ये कितने आवर रोटेट होके आया 12 से लेकर 6 तक, सॉरी आवर है हो गया हाफ आवर, 12 से लेकर 1 तक आवर हैंड हाफ रोटेशन कंप्लीट किया, मतलब वी विल फाइंड हाफ आवर का कितना एंगल बन गया। अब 1 आवर के लिए 30 डिग्री बनता है, तो हाफ आवर के लिए 1/2 × 30 डिग्री हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री का एंगल बन गया आवर हैंड का। अब मिनट हैंड का देखो, मिनट हैंड 12 से 6 तक आया और आप जानते हो कि 1 मिनट में कितना एंगल बनता है 6 डिग्री का, सो हमें तो 30 मिनट है 6 पे है, मतलब 30 मिनट है, सो 30 मिनट में कितना एंगल बना मिनट हैंड का, दैट इज इक्वल टू 30 × 6 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मिनट हैंड में से आवर हैंड का जो एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री करेंगे, सो यू गेट 165 डिग्री। तो अभी जो एंगल बना आवर हैंड और मिनट हैंड में 12:30 को, वो एंगल बन गया 165 डिग्री का, गॉट इट। नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 5:10 o'clock, 5:10 पे आवर हैंड और मिनट हैंड में कितने का एंगल बनेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक क्लॉक निकाली है, अब 5:10 को आवर हैंड जो है 5 के स्लाइटली थोड़ा आगे रहेगा और मिनट हैंड रहेगा 2 पे, तो सबसे पहले आवर हैंड कितने का एंगल बनाता है वो फाइंड करेंगे और फिर आवर हैंड में से मिनट हैंड में जितना एंगल बनाया है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको थोड़ा समझ लो, पहले आवर हैंड मान लो यहाँ पे था, 12 पे था, अब 12 से रोटेट होते हुए वो यहाँ तक पहुंचा है, ओके तो हम पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे टोटल, फिर मिनट हैंड भी 12 पे था सबसे पहले, अब मिनट हैंड 12 से होकर 2 पे आ गया है, इतना आ गया है। अब ये पूरे एंगल में से हम अगर इस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमें एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 5:10 o'clock मिल जाएगा। तो चलो निकालते हैं पहले, ओके तो सबसे पहले हम आवर हैंड में कितने का एंगल बना लिया है इतने रोटेशन में वो देखते हैं। 5:10 hours, तो मतलब यहाँ पे आवर हैंड कितने आवर्स रोटेट हो गया है, 1, 2, 3, 4, 5 hours, लेकिन वो थोड़ा 5 के स्लाइटली आगे है, 10 मिनट्स आगे है, तो उसका कितना आवर हुआ, तो जो 10 मिनट है उसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10/60 hours, ओके तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 5 आवर तो हमें पता है और फिर 10/60 hours, तो ये हो गया आवर हैंड का रोटेशन, इतना मतलब आवर्स में कन्वर्शन। सो वी विल गेट हियर 5 × 1/6 hour, 0 0 गेट कैंसल। अब आपको पता है कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 6 × 1 = 30 और 1/31/6 hours हो गया। अब 1 आवर में होता है 30 डिग्री रोटेशन, तो इतने आवर में कितना रोटेशन हो जाएगा, तो 31/6 × 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 6 से इसको डिवाइड करो तो 6 × 5 = 30, सो वी गेट 31 × 5, दैट इज इक्वल टू 155 डिग्री। तो आवर हैंड ने इतने का एंगल बना लिया यहां से यहां तक। अब मिनट हैंड ने कितने का एंगल बनाया, मिनट हैंड 10 मिनट्स आगे गया, तो इतने का एंगल कैसे बना वो दिखते हैं, तो 10 मिनट में कितने का एंगल बनता है मिनट हैंड का, 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री, तो 10 मिनट में बनेगा 10 × 6 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि आवर हैंड के जो एंगल बना उसमें से मिनट हैंड के एंगल को माइनस कर देना है, तो 155 डिग्री − 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 5 − 0 = 5, 15 − 6 = 9, सो योर आंसर इज 95 डिग्री। सो एट 5:10 एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज 95 डिग्री, गॉट इट, थैंक यू। How was our today's video? If you love our videos, then like it, share it and subscribe it, and don't forget to press the bell icon, then you will get notifications when we upload our next video, and thanks for your love and support. So we will meet at the next video, tab tak ke liye take care and bye bye.